Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today, we are taking the third question, which is the unanswerable question for the scientist and the religious gurus. The question is, are we alone in the universe? There are some other universes or some other planets or stars where the life like us or life like on the earth exist or not, or there is only this type of life on the earth and there is no other type of life in anywhere in the whole universe. Because scientists also talk about sometimes they talk about alien. They say there are so many other planets and heavenly bodies where alien may exist. Now, from the yogic science point of view, we will try to explore the existence of the different forms of life and the life forms like us also in the whole universe. Sarmaj, yogic science ke perspective se hum matlab ki sirf jo hum life jo prithvi pe life hai इस तरीके की लाइफ या और भी तरीकों की लाइफ कहीं और भी है या हर जगह सिर्फ चट्टान पहाड़ ये सब सारी चीजें हैं और जैसे एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं ठीक है मनुष्य हैं जो कि इस पृथ्वी पर हैं तो इस टाइप की लाइफ कहीं और भी हैं या नहीं है ये साइंटिस्टों के लिए और हमारे धार्मिक गुरुओं के लिए भी एक पहेली है हाँ जी इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो ये इस बात पे ये है कि भाई ये पहली है इस चीज़ की कि क्या ऐसी लाइफ है तो ये लाइफ अगर यौगिक विज्ञान की तरफ से देखा जाए कि तो ये लाइफ एक बात हम पहले कह चुके थे कि ब्रह्मांड में नाना प्रकार है तो नाना प्रकार का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में नाना प्रकार के आकार हैं और आकारों पे हम बात कर रहे हैं नाना प्रकार के आकार हैं और आकारों के हमारे जैसे मनुष्य या हमारे जैसे ही सकल सूरत वाले आकार वाले जो लोग हैं वो अगर हम अपनी केवल एक ही पृथ्वी में देखें तो पृथ्वी में नाना प्रकार के यहाँ पर भी मनुष्य पाए जाते हैं मनुष्यों में नाना प्रकार हैं कि आप जैसे नाना प्रकार के फूल पौधों में नाना प्रकार है वनस्पति में नाना हर चीज नाना प्रकार है, भी डिफरेंस है बिल्कुल बिल्कुल फर्क है तो इससे एक संदेश मिलता है कि पूरे कंप्लीट ब्रह्मांड में और भी ऐसे सौरमंडल हैं ऐसे ग्रह हैं जिन ग्रहों पर नाना प्रकार के आकार वाले लोग रहते हैं मगर आकार वाले लोग नाना प्रकार की भाषा है नाना प्रकार के आकार है नाना कोई जरूरी नहीं कि किसी और हो सकता उनमें भाषा नहीं भी हो ना भाषा नहीं भी हो कुछ अलग टेक्नोलॉजी हो अलग अलग हो सकता है हो सकती है क्योंकि योगिक साइंस ये कहती है कि वाणी जो वाणी है वाणी भी कर्म करने के लिए होती है तो वाणी के बहुत सारे रूप हो सकते हैं हम मुंह से अगर हमने नहीं बोले सिर हिला दिया कि आ जाओ तो हमने सिर हिला दिया तो सिर एक हिलना भी वाणी है तो ये बहुत सारी हो सकती हैं इनमें नाना प्रकार है हर चीज़ नाना प्रकार है तो जैसे कि पृथ्वी में आप देखें आपकी यहाँ वनस्पति कुछ और है और जब हम पहाड़ों में जाते हैं वहाँ फूल पत्ते फूल ही फूल होते हैं कुछ ऐसे पौधे होते हैं बर्फ में ही सिर्फ होते हैं और इतनी उनमें सुंदरता होती है कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ बंजर पड़ा होता सूखे होते हैं वहाँ बेचारे होते हैं और सूख जाते हैं तो ये जो वातावरण वहाँ का है और स्थान वहाँ का है ये चीज अगर आपके पृथ्वी से ही पकड़ लोगे तो ये पकड़ कर गए साइंटिस्ट अगर इस पर खोज करें कि इस तरीके की जब पृथ्वी पर इस तरीके की चीजें हैं तो ये ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं अनेक सौरमंडल हैं इनकी अनेक प्रकार की वहाँ हर चीजें होती हैं तो ये आकारों के और स्थान की वजह से होती हैं स्थान परिवर्तन होता है आकार परिवर्तन होता है ये अगर दो चीजें परिवर्तन होती हैं तो तीसरी चीज हम ये कहते हैं कि जो चीज जो आइटम हमारे सिस्टम को आकारों को इस स्थूल बॉडी को जो लोग जो प्रक्रिया चलाती है उसमें परिवर्तन नहीं होता वो परिवर्तन नहीं होता उनके आकार
अमूमन लगभग लगभग एक समानांतर स्थिति में होते हैं। जैसे जैसे एक चींटी में दिल है और हमारा एक दिल है, और चींटी में जो तरीके की पाचन प्रक्रिया है, जो कुछ भी है सिस्टम, अंदरूनी जो सिस्टम है, वो अंदरूनी सिस्टम इसलिए होते हैं कि वो परिवर्तन समानांतर इसलिए होते हैं कि ब्रह्मांड में उस प्रकार की वो चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, और वो वहाँ पर जो हमारे बॉडी में कार्यरत हैं, जिस तरीके के काम करते हैं, वो उस इतने बड़े ब्रह्मांड में, वो एक अनंत दूरी पर, वो भी वहाँ पर उसी तरीके की कार्यरत हैं। ये चीज़ अगर साइंस को समझ में आनी आ जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि एक अमेरिका यूएस वालों ने, शायद काफ़ी पुरानी बात है, कि एक दूर में उन्होंने कोई यान भेजा था, वो यान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो करीब शायद एक साल बाद या 1.5 साल के बाद उसकी कोई सूचना उनको मिली, तो वो यान से एक आवाज़ आ रही थी, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, धक 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 करके आवाज़ आ रही थी, बस उसी को वो सुन करके दूरी नहीं पता कर पाए वो, मगर ये बात पता उन्होंने कर ली कि हमारा संपर्क हमारे यान से हो रहा है, और ये यान हमारी इतनी दूरी पे चला गया है कि वो यान खुद पूरा यान धक धक की आवाज़ हमारे पास भेज रहा है। तो इससे एक संकेत मिलता है कि अगर हमारा दिल कहीं धकधका रहा है, और दिल अंदरूनी, मैंने बोला समानांतर चीज़ हैं, ये अंदर कोई ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं वो कहीं से आई नहीं है, कहीं से उठाई नहीं गई हैं, कहीं नया निर्माण नहीं हो रहा है। हम ये बात बहुत पहले से बोल रहे हैं कि ये चीज़ जो 50-50% है, ये इधर की उधर हो रही है। ये बात पर जब आप पकड़ लोगे, तो शायद ये सभी जो आपके अनसुलझे सवाल हैं, ये सब सुलझ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें इतनी यौगिक विज्ञान के अनुसार ये सब चीज़ें आसान हैं, आध्यात्मिक लाइन में ये सब चीज़ें आसान हैं, क्योंकि वो हमने एक बात कही कि अंडाकार जो चीज़ है, वो अंडाकार चीज़ जब स्थान परिवर्तन करती है और उसको जो बाहर से घेरती है, जो वो आकार बनाती है, तो आकार बनाने से और स्थान परिवर्तन से आपके आकार नाना प्रकार हो जाते हैं, और नाना प्रकार आकारों वाले बहुत सारे ग्रह भी हो सकते हैं, और उन ग्रहों के ऊपर नाना प्रकार के आकार आप जैसे हो सकते हैं, आपके जैसे हो सकते हैं, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपका नाक के नीचे मुंह है तो उसका भी नाक के नीचे ही मुंह होना चाहिए, ये कोई ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये बात यौगिक विज्ञान में ये ध्यान में रखी जाए मूल में कि प्राकृतिक नाना प्रकार है, उसके अलग अलग प्रकार हैं, वो एक समानांतर स्थिति में नहीं है, आकारों में समानांतर नहीं है। तो ये चीज़ आपको पकड़ में आनी चाहिए, जो अंडे के अंदर जो हमने जीव की बात करें, वहाँ ये समान जीव है, एक जैसे हैं, तो वो समान चीज़ें अंदर की बात हम समान कर रहे हैं, बाहर की नहीं, तो इसलिए हमने जो अंडे के अंदर चीज़ें हैं वो समानांतर हैं, वो एक जैसी हैं, और बाकी जो बाहर के आकार हैं उनमें समानता नहीं, वो असमान है, वो एक दूसरे के बिल्कुल अलग जाते हैं। हमारा आकार एक दूसरे से अलग है, हम बिल्कुल एक ही क्षण में, एक ही पल में इतने अगर मनुष्यों का जन्म हो रहा है, तो वो भी सबके सब अलग अलग आकार में है, और ये सबके सब अलग अलग आकार हैं, सारे सिस्टम अलग अलग हैं, ये इसका पर्यावरण पर, वातावरण पर, और स्थान परिवर्तन से, इनका प्रभाव से ये सब अलग अलग होते हैं। तो इस विषय में आध्यात्मिक जो है बहुत स्पष्ट है, ये अनसुलझे नहीं, ये सवाल कोई अनसुलझे नहीं, यानी हम अकेले नहीं हैं, नहीं, ठीक है, हमारे जैसे जैसे और भी ग्रह हो सकते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, अलग होगा, अलग वातावरण होगा, अलग उनका सेटअप होगा, सारी चीजें अलग होंगी, मगर जो लाइफ है, जो जिंदगी है, उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूप है, हाँ, अलग अलग रूप है, उनका टाइमिंग अलग, टाइमिंग अलग है, स्थान अलग होने से, ठीक है, और प्रकार अलग होने से, प्रकार अलग होने से अलग अलग सृष्टियां हैं, अलग अलग सृष्टियां हैं, लाइफ है, हो सकता हमसे उन्नत लाइफ हो काफी, हाँ, और हमसे काफी उन्नत ना हो, वैसी ना भी हो, ठीक है, आकार भिन्न हो और ऐसी हो जिसको कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, आप नहीं सोच सकते, हम इसके बारे में सोच नहीं सकते, ऐसी गणित अभी तक बनी नहीं है कि जो पूरे ब्रह्मांड के सारे नाना प्रकार को कैलकुलेशन, नहीं, संभव नहीं है, जिसको लोग, और एक चीज और मैंने इसमें नोट की है, जिसको लोग, जिसको साइंटिस्ट खासकर ब्रह्मांड कह रहे हैं,
ठीक है, योगिक साइंस प्रकृति बोलता है उसको। हाँ, प्रकृति नाना प्रकार के, प्रकृति की नाना प्रकार, प्रकृति नाना प्रकार के हैं, ठीक है। हाँ, और जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी अंडे हैं, ठीक है, हर अंडा जीवात्मा है, जितने भी अंडे हैं, ठीक है, सार सबका अलग अलग है, सब प्रकार, और सब प्रकार के अंदर भी अलग अलग है। हाँ, प्रकार के अंदर भी अलग अलग, उनके अंदर की गणित है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का एक सेटअप है, ये सेटअप ग्रह है, इसका एक सेटअप है, इसी के अंदर भी नाना प्रकार के अलग अलग है, नाना प्रकार के, ठीक है। सिक्किम के लोग हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, अलग, ठीक है, हम हमारा अलग है, अलग है, ठीक है। इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उनका बिल्कुल अलग, जापान में जो हाइट अलग है, जापान में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल छोटे हैं, अफ्रीका के अलग है, हाँ अलग है, सब लोग अलग अलग, तो अलग अलग है। तो जबकि एक सेटअप है, एक ही पृथ्वी पे है, ये कहीं पृथ्वी पर है, फिर भी अलग अलग है, फिर भी अलग अलग, क्योंकि यहाँ से आप कैलकुलेशन नहीं लगा सकते कि सब चीज अलग अलग है, नाना प्रकार की पृथ्वी हो सकती है। हाँ, तो प्रमाणिक तौर पे नहीं, मगर यौगिक साइंस अपने मूल सिद्धांत के आधार पर ये कह सकता है कि आकार पृथ्वी, हाँ, ये लाइफ के अलग अलग फॉर्म हैं, ठीक है, होने चाहिए और है ही, है ही, है ही, इसमें होने चाहिएगा, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मूल सिद्धांत आकार, हाँ, मूल सिद्धांत में आकार हर बार नया आकार, नया हर बार नया आकार है, और बहुत गति में आकार है, तो वो इसका मतलब है नया आकार, मतलब नाना प्रकार, नाना प्रकार। तो ये चीज इसमें जो है प्रसन्न, okay. ये अनसुलझा नहीं है। ओके, लेट मी समराइज दिस। व्हाट साइंटिस्ट आर कॉलिंग द यूनिवर्स, द कॉस्मोस, द योगिक साइंस कॉल इट प्रकृति। यू सी, द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योगिक साइंस इज दैट in the prakriti, in the atma, there are multiple types of jivatmas, multiple types. Almost all the jivatmas are of different shape, of different types, okay, because of the difference in the space and time, and because of the difference in the dynamism of the conscious energy, because the consciousness has it has energy, it has dynamism, okay. Now, where it is very, very dynamic, on that part of the prakriti, the shape of the jivatmas will be different. And where it is slow, a little slow, dynamism is reduced, okay, there the type of jivatmas will be different. Okay, so on the basis of what yogic science believes or yogic science proposes, which is that there are different types of jivatmas, there are different categories of jivatmas, that is why there will be different types of life forms across the whole prakriti, across the whole cosmos. So it is not that we are alone, okay, there are different multiple types of life forms across the whole cosmos. So this is what yogic science proposes. And yogi science does not have any doubt in this proposition that there are different types of life forms. Those life forms are not like us, because we live in a particular set of system. Okay, now there will be different types of systems. Okay, somewhere else, because the place is changing, time is changing. Okay, over there. There will be different degree of dynamism of the consciousness. So consciousness is playing a vital role in determining that all the jivatmas will be different. So because of these three principles, the yogic science proposes that there are different life forms across the whole cosmos. Now in the next video, in the next episode, we'll be taking the next unanswerable question for the science and religion, and we'll explore into that. Thank you.